नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम डिस्कस करेंगे बायोमास को फायरिंग के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कोल पावर प्लांट्स में कोल के साथ बायोमास को यूज करने का वैसे बायोमास से भी एनर्जी क्रिएट कर सकता है इससे क्या होगा जितना आप बायोमास यूज करोगे उतना कम कोल यूज करना पड़ेगा तो फिर उतना कम कार्बन एमिशन होगा देखिए कोल एक फोसिल फ्यूल है फ्यूल जलाने से कार्बन एमिशन होता है तो जितना आप बायोमास रिप्लेस करेंगे कोल से उतना कम कार्बन एमिशन होगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है पर देखिए ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है बायोमास को फेयर करने का वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि बायोमास की अवेलेबिलिटी इंडिया में कम नजर आ रहा है तो आज इस वीडियो में

प्लांट्स और आलगे बायोमास बहुत जल्दी रीग्रो भी होता है मोस्ट कॉमन बायोमास मटेरियल्स कौन कौन से हैं दोस्तों जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स वुड एंड वेस्ट इसे बायोमास फीड स्टॉक्स भी बोलते हैं अब दोस्तों वाई इन न्यूज मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कोल पावर प्लांट्स में कोल के साथ बायोमास को कोफेयर करने का पर इंडिया में बायोमास पैलेट्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज की अन अवेलेबिलिटी की वजह से यूनियन पावर मिनिस्ट्री का ये जो प्लान है ये नहीं हो पा रहा है वैसे कोल को फाइव टू सेवन परसेंट ऑफ बायोमास से अगर सब्सटीट्यूट करेंगे हम थर्टी एट मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम कर पाएंगे हाओओवर इंडिया में जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी इनफ नहीं है बायोमास को फेयरिंग करने के लिए नाउ बायोमास को का मतलब क्या होता है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ए पार्ट ऑफ फ्यूएल थर्मल प्लांट्स देखिए कोल पावर प्लांट्स में ऐसे फ्यूएल क्या यूज करते हैं नॉर्मली कोल यूज करते हैं जब आप थोड़ा सा कोल को बायोमास से रिप्लेस करके कोल एंड बायोमास को बोयलेज में एक साथ कंपस्ट करेंगे ना इसे बायोमास को बोल सकते हो इस पर्पस के लिए एक्सिस्टिंग कोल पावर प्लांट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कहने का मतलब यह है वो जो बॉयलर है वो कोल जलाने के लिए डिजाइन किया हुआ है जब आप कोल के साथ बायोमास भी मिक्स करोगे तब वो बॉयलेस का डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वैसे कॉफ एरिंग ऐसा एक ऑप्शन है जिसे आप बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं कहने का मतलब यह है वो जो बॉयलर है वो कोल जलाने के लिए डिजाइन किया हुआ है जब आप कोल के साथ बायोमास भी मिक्स करोगे तब वो का डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वैसे ऐसा एक ऑप्शन है, जिसे आप बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एमिशन कैसे कम होगा क्योंकि जितना कम कोल जलाओगे उतना कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा बायोमास एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है एक कोल फ्लीट को डीकार्बोनाइज करने के लिए

देखिए यूनियन पावर मिनिस्ट्री का एक नेशनल मिशन है नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास फॉर कोल थर्मल पावर प्लांट्स इनके हिसाब से अराउंड नाइनटी फाइव थाउजेंड टू नाइनटी सिक्स थाउजेंड टलेट चाहिए पर डे को फायरिंग के लिए अब देखिए बात यह है ये जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूस है उसे आप सीधा सीधा बोयलेस में डाल नहीं सकते बायोमास को फायरिंग के लिए सबसे पहले इन रेसिड्यूस को बायोमास पैलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब ये पेलेट्स मतलब क्या होता है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों ये है बायोमास तो सबसे पहले को पेलेट्स में कन्वर्ट करने के के बाद ही आप को के लिए में ये है इंडिया की पेलेट पर ही है। हमारे पास लार्ज बायोमास अवेलेबिलिटी है सरप्लस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रेसिड्यू अवेलेबल है देश में पर इन रेसिड्यूस को पैलेट्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी केवल सेवन थाउजेंड डे है तो ये जो डिमांड सप्लाई गैप पिछले दो महीने में बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि जितने पैलेट सप्लाई में वो अपने बायोमास पैलेट्स कोल पावर प्लांट्स को देते नहीं है क्योंकि कोल पावर प्लांट्स इन्हें कम पैसे देते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए कोल पावर प्लांट्स को जब पैलेट देते हैं वो एट टू नाइन रुपीज पर किलो देते हैं वेरास यही पैलेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेटल इंडस्ट्री या फिर ओपन मार्केट में 12 टू 13 पर किलोग्राम में बिकते हैं और एक एग्जाम्पल देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दादरी बायोमास को-फायरिंग शुरू किया था नवंबर 2019 में पर उधर को-फायरिंग हमेशा होता नहीं क्योंकि बायोमास की अवेलेबिलिटी कम है वैसे ये जो प्लांट है वो 25000 टन ऑफ कोल यूज करते हैं एक दिन पर उधर डेली बेसिस पर

आप ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टोर करने से ये जो बायोमास पैलेट्स है मॉइस्चर करते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद ये फायर कर भी नहीं पाएंगे तो इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इंटरवेंशन हुआ है देखिए दोस्तों नियरली पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट थ्री मिलियन टन ऑफ बायोमास पैलेट्स रिक्वायर्ड है वन जिगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एट सेवन परसेंट कोसेंट को मतलब क्या है सेवन परसेंट बायोमास यूज करेंगे नाइन्टी थ्री परसेंट कोल यूज करेंगे मैंने आपको एक नेशनल मिशन के बारे में बताया था नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इसे समर्थ भी बोलते हैं समर्थ का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स इस मिशन ने पावर प्लांट्स के साथ 70 80 पेलेट मैन्युफैक्चरर्स का एक लिस्ट शेयर किया है वैसे गवर्नमेंट सारे पेलेट मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए काफी कुछ कर रहा है जैसे कि सारे पेलेट मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है बाय द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखिए पेलेट मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने से एक हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कहने का मतलब यह है दोस्तों गवर्नमेंट ने मिशन बनाया किस लिए बेसिकली बायोमास की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है जितना आप बायोमास यूज करोगे उतना कम आपको कोल यूज करना होगा उतना कम आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा देखिए लास्ट ईयर सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स जब हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कमिट करके आए थे कि दो हजार सत्तर तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस अचीव करेंगे क्या है नेट ज़ीरो एमिशंस जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना हम ऑब्जो भी करेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है दोस्तों हमारा कार्बन एमिशंस कट का डाउन करना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ढूंढना होगा तो बेसिकली बायोमास अवेलेबिलिटी एंश्योर करने के लिए नेशनल मिशन की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है पर उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कुछ चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया तो क्या किया जा सकता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सबसे पहले मैपिंग ऑफ एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चर एंड इंसेंटिवेसिंग एंटरप्रोन टू सेटअप मोर पेलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखिए पहले एक्सिस्टिंग जितना पैलेट मैन्युफेक्चर है उन्हें ठीक तरह से मैप करना पड़ेगा उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा साथ साथ में मोर एंटरप्रनर्स को एंकरेज करना पड़ेगा पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके एंटरप्रोनर पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेटअप करेंगे दूसरा ये जो नेशनल मिशन है इन्हें प्राइस ऑफ बायोमास पेलेट्स को कैप एंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फ्लैक्चुएशन इन मार्केट डिमांड देखिए प्राइस डिफरेंस की वजह से एक्सिस्टिंग पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पैलेट्स कोल पावर प्लांट्स को देते नहीं है करके मैंने आपको बताया था तो गवर्नमेंट को या फिर ये नेशनल मिशन को बायोमास पैलेट्स का प्राइस को कैप एंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि कोल पावर प्लांट्स को अवेलेबिलिटी रहे बायोमास पैलेट्स की फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करना पड़ेगा टू एंश्योर फार्मर्स हैव एन इंट्रिंसिक रोल इन दिस बिजनेस मॉडल ऑफ पैलेट मैन्युफैक्चरिंग देखिए अभी के हिसाब से होता क्या है जितने पेलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो फार्मर्स से एग्रीकल्चरल रेसीड्यूज लेके जाते हैं फार्मर्स को कुछ पैसे भी देते होंगे उथरी फार्मर्स का रोल खत्म हो जाता है दोस्तों पर देखिए ये बेसिकली एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है ये जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज है ये पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बायोमास पैलेट्स में कन्वर्ट करते हैं फिर कॉफेरिंग होता है फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एंड बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होता है तो हमारे फार्मर्स का रोल पहला स्टेज में ही खत्म हो जाता है अगर इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इतना कार्बन एमिशंस को कट डाउन कर पा रहा है तो क्यों ना हमारे फार्मर्स को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए तो फार्मर्स का जो रोल है वो एनहेंस करना पड़ेगा दोस्तों अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो फार्मर्स को भी उसका फायदा देना पड़ेगा देखिए बेसिकली हमारी जो इकॉनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है इधर हमें जो कुछ भी करना है ना वो फार्मर्स को प्रियोरिटी देके ही करना होगा तो ये जो बिजनेस मॉडल में फार्मर्स का रोल एनहेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों दैट्स सेंड ऑफ इट आई होप आपको समझ में आया होगा बायोमास को फायरिंग के बारे में चैलेंजेस के बारे में सॉल्यूशंस के बारे में वे फॉरवर्ड के बारे में लेक्चर की पीडीएफ एज सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है